दे दिया है, बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वेंकैया नायडू को इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। आपको बताया था कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 4 सांसद इस्तीफा दे सकते हैं और खबर पर मोहर लग गई है। टीडीपी के 4 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वेंकैया नायडू को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। टीडीपी के राज्यसभा सांसद वाईएस चौधरी, टीजी वेंकटेश और सीएम रमेश के साथ साथ जीएम राव ने टीडीपी को अलविदा कह दिया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू से मिलकर अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है और इस वक्त वो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टीडीपी के 4 सांसद रिजाइन करके भी जनमानस भारत के आगे बढ़ने का एक विश्वास प्राप्त हुआ है, उन नीतियों से प्रभावित होकर के आज इन लीप्स एंड बाउंड्स, इन दोनों बातों आज इन लीप्स एंड बाउंड्स, इन दोनों बातों से प्रभावित होकर और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पॉजिटिव नोट पर आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आज सुबह इनकी बैठक वाईएस चौधरी जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें इन्होंने एक प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी को यह कहते हुए दिया कि हम प्रस्तावित करते हैं कि हम अपनी पार्टी के 4 सदस्य आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के पश्चात मैं और थावरचंद जी उस पत्र के साथ भारत के उपराष्ट्रपति और हमारे राज्यसभा के चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू जी के पास गए और हमने वो पत्र, इनका भी प्रस्ताव और इसके साथ साथ हमारी स्वीकृति का प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव माननीय उपराष्ट्रपति जी को दिया है और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तेलुगु देशम पार्टी राज्यसभा की का विलय, इसको स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी ने दी है। अब ये सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिलीव्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म, इंक्लूसिवनेस, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि चारों ही नेता आंध्र प्रदेश के जमीनी नेता हैं, इनके पॉजिटिव नोट्स के साथ काम करने से आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान होगी और पूरी ताकत के साथ हम इनका समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का बेस आंध्र प्रदेश में बढ़ाएंगे। इस अवसर पर तीनों हमारे जो साथी सांसद यहां उपस्थित हैं और एक इनके साथी अभी पैर में चोट लगने के कारण यहां पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका समर्थन पत्र है, तो मैं वाईएस चौधरी जी से कहूंगा वो भी अपने 2 शब्द कहें। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, एज यू आर ऑल अवेयर द मूड ऑफ द नेशन विच हैज वेरी क्लियरली शोन इन द रीसेंट इलेक्शंस, सो आफ्टर दैट वी ऑल हैव डिसाइडेड दैट वी शुड जॉइन इन बिल्डिंग दिस ग्रेट नेशन, दैट्स वन ऑफ द रीजन। पर्टिकुलरली फॉर मी, आई ऑल्सो हैव गॉट एन एक्सपीरियंस हैविंग वर्कड फॉर 3.5 years एज एमओएस विद द Honorable Prime Minister as the leader of the cabinet. So this decision was taken mainly to join in building the nation and particularly for the state of Andhra Pradesh, because for various reasons we have definitely suffered. So thereby we want to emphasize all the issues raised in AP Reorganization Act to be implemented as early as possible. And this is the best platform what we thought to work with cooperation and coordination rather than confrontation and competition. That's it.